अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ उड़द चने की दाल की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ये मिक्स दाल। एक कप हमारी ये चने की दाल थी और ये हमारी 250 ग्राम उड़द की काली वाली दाल थी, जिसे हमने आधे घंटे के करीब भिगो के रख दिया था। इससे हमारी चने की दाल भी फूल चुकी है और उड़द की दाल भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसे जब भी बनाएँ तो थोड़ी देर इसे भिगो के बनाएँ, उससे ये बहुत अच्छी बनती है, एकदम जायकेदार। आप चाहें इसे 3-4 घंटे के लिए भी भिगो के छोड़ सकते हैं उड़द की दाल को। अगर आप इसका छिलका उतार के बनाएंगे तो इसे तभी भिगोएं, नहीं तो ये ऐसे काली भी बन जाती है छिलकों के साथ। तो ये हमारी रेडी है बनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। पहले अपने कुकर में डालेंगे अपनी दाल को। दाल को चढ़ाने के लिए हमने कुकर ले लिया है। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। अपनी सारी दाल डाल देंगे हम। तो देखिए, हमने अपनी दाल को सारी को डाल दिया है कुकर में और इसे हमने कम से कम 5-6 बार पानी से धो लिया था अच्छे से साफ करके। अब इसमें हम अपने कुछ सूखे मसाले डालेंगे। ये हम ये वाली स्पून 2 टेस्पून अपना धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च हम इसमें कुटी हुई डालेंगे, हम मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। ये 2 टेस्पून हम ये मिर्च का पाउडर कुटी हुई मिर्च डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स। इनसे बहुत अच्छी बनती है हमारी दाल, एकदम जायकेदार। आप उड़द चने की दाल बनाएं तो कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करें, पिसी हुई मिर्च ना डालें। और ये 2 स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं नमक। 1 टेस्पून हमारा ये प्याज का पेस्ट जाएगा इसके अंदर और 1 टेस्पून ही हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है, 1/2 टेस्पून हम और डाल देंगे। सबसे मज़ेदार चीज़ ऐड करेंगे अब इसमें हम, ये 1/2 टेस्पून हमारे हींग का पाउडर है। आप उड़द चने की दाल बना रहे हैं तो हींग का पाउडर इसमें ज़रूर डालें। अगर आपके पास साबुत वाली हींग है तो आप उसे घोल के भी डाल सकते हैं। 1/2 टेस्पून हमने अभी ऐड करिए और 1/2 टेस्पून हम तड़के में ऐड करेंगे अपनी हींग। अब इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम पानी ऐड कर देंगे इसमें। हम ये सौंध के बना रहे हैं अपनी दाल, इसे सौंधना कहते हैं। ऊपर से तड़का लगाएंगे अपनी दाल में हम, जैसे बाहर मिलती है बिल्कुल एकदम तड़के वाली दाल। हमने अपनी दाल में पानी ऐड कर दिया है जिसमें हमें पकाना है इसे। हमारा पानी इतना ही जाएगा। अब इसमें हम ये 1 कटोरी अपने टमाटर ऐड कर देंगे कटे हुए, हमने मोटी मोटी शेप में ही काटे हैं। आप चाहें तो इसमें प्योरी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें मोटे मोटे टमाटर ही पसंद है दाल में। तो हमारी दाल बनने के लिए रेडी है। इसकी लीड से कवर करके इसमें 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम खोल के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं और हमने अपना कुकर खोल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी दाल की थिकनेस, हमें परफेक्ट अपनी दाल ऐसी ही चाहिए थी, एकदम बढ़ के बढ़िया बनी है हमारी दाल। इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम गल भी चुकी है ये। अब इसका हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, हमने अपनी गैस पर से दाल उतार ली है। इसमें हम ये 1 कटोरी धनिया और इसमें हमारी 4-5 हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे अपनी दाल को और ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। आप इस वक्त इसमें नमक मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको कुछ ही चीज़ की कमी लगे तो आप डाल सकते हैं। तब तक करते हैं अपने तड़के की तैयारी। तो देखिए, हमारी दाल में तड़के के लिए हमने अपना पैन में घी गरम कर दिया है। हमने देसी घी का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 स्पून घी डाला है तो हमारा घी गर्म हो चुका है, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो तड़के के लिए हमारी 1 प्याज जाएगी इसके अंदर, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है, और ये 5 से 6 हमारी साबुत वाली लाल मिर्चें हैं जिसे हमने बीच में से कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमारा जीरा है, 1/2 टीस्पून हमारी हींग है। हींग का फ्लेवर उड़द की दाल में बहुत अच्छा आता है, आप इसलिए हींग जरूर से ऐड करें। हमने 1/2 टीस्पून अपनी हींग दाल में भी डाली थी और हम तड़के में भी डालते हैं। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन
दो से तीन मिनट लगेंगे हमारे तड़के को फ्राई होने में। तो देखिए हमारा तड़का फ्राई हो चुका है, इसे हम डालेंगे अब ऊपर से। पहले हम चमचे में एक दाल निकाल लेते थोड़ी सी, फिर अपना तड़का छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप हमारी दाल कितनी बढ़िया लगी रही है एकदम। तो देखिए हमारी दाल बनके रेडी है, इसे हमने सर्विंग बाउल में नहीं निकाला, हम इसे कुकर में ही दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी दाल बनी है, एकदम लाजवाब तड़के वाली, जैसे बाहर ढाबे पे मिलती है। आप इसे चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये सभी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक बार इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत जायके बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।